मैं डॉक्टर विनोद कौशिक, आज आप कौशिक फिजियो क्लिनिक की तरफ से आपको बता रहे हैं एक्सरसाइजेस जो कि आपके स्पाइनल केस में टीबी पॉट्स डिसीज़ में डीकम्प्रेशन किया गया है उस केस में बच्चे के दोनों पैरों में वीकनेस जब आ जाती है उसके लिए एक्सरसाइजेज जो हैं वो रिज्यूम आप देखिए। और ये एक्सरसाइज करने से पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट होता है, बच्चे को बहुत बेनिफिट होता है। प्लीज़ डॉक्टर साहब आप कराइएगा। ये सभी एक्सरसाइज हम सिर्फ अभी 3 to 5 times करा रहे हैं, बाद में आपको एक्सरसाइज 15 to 20 times रेपिटेशन करना है। सेकेंड एक्सरसाइज SLR, नी स्ट्रेट रहेगा, एंकल अपनी तरफ खींचा रहेगा। थोड़ा जल्दी करेंगे जिससे कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने, एक्सरसाइज सीख लें लोग। शाबाश बेटा, 45 डिग्री उठाना है सिर्फ। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड वन। बहुत अच्छे बेटा जी, वेरी गुड। नेक्स्ट बता दीजिए। ये सभी एक्सरसाइज आप कराएं, बहुत बेनिफिट होता है, स्ट्रेंथनिंग के लिए है। फिजियो सभी करा सकते हैं। लोअर लिम स्ट्रेंथनिंग वीकनेस Grade 4 MMT में। ये लूप है जो कि आपका थायरामेंट लूप होता है, रेजिस्टेंस बैंड, इससे एक्सरसाइज कराएंगे पेशेंट को। हाथ से रेजिस्टेंस लगा रहे हैं मैम, रेजिस्टिव एक्सरसाइज एब्डक्शन, बाहर की तरफ पैर निकाल रहे हैं। दोनों लिम्स में वीकनेस है, लोअर लिम में ज्यादा है। नी स्ट्रेट रहेगा बेटा, दोनों पैरों से करानी है आपने। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए मैम, मेडिसिन बॉल से सभी एक्सरसाइज बता दीजिए इनको। थोड़ा सा आगे हो जाए बेटा, हल्का सा आगे खिसक जाइए और आगे, बस अब नी स्ट्रेट कर लो, दबा दो। नेक्स्ट बता दीजिए मैम। नीज को स्ट्रेट रखना है 90 डिग्री पर, थाइस को मूव नहीं करना है, लोअर लिम्स को मूव करना है। वेट कफ बांध दिया है लेफ्ट वाले में जो वीकनेस है,
पैर को धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं जितना उठा सकते हैं, दूसरे पैर से रेजिस्टेंस भी दे रहे हैं राइट वाले से, लेफ्ट पे वेट कफ भी बंधा हुआ है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट बताइएगा मैम। सेम विद अपोजिट लेग। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए। बॉल के साथ करा दीजिए, सारी प्रेसिंग जितनी स्टैटिक्स हैं सारी एक्सरसाइज बताइए। बॉल को प्रेस करना है, बॉल को बीच में रख के दोनों नीज से अंदर की तरफ प्रेशर, एरेक्टर स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। 1 2 वेरी गुड बेटा, 3 बहुत अच्छे, 4 5 6 बस 5 बहुत है। नेक्स्ट बताइए। साइड लाइन में आ जाओ, जो जो करते हैं बेटा सारी करके दिखा दीजिए। पहले मेडिसिन किसी से बताओ बेटा, सारी बाबा चेंज कैसे करोगे? सीधे इसके नीचे प्रेस करवाना। हाँ करवाओ ना बेटा, जो जो आप एक्सरसाइज कराते हैं सारी करानी है। नी को नीचे प्रेस करना है, ठीक है, बॉल प्रेस करनी है। आइसोमेट्रिक स्टैटिक फॉर क्वाड्रिसेप्स, हिप रेज कम करेगा, हिप को मत उठाइए, नी को प्रेस कीजिए बस, यही प्रेस करना है बस। करो बेटा, शाबाश। इसके बाद एंकल को प्रेस करा दीजिए, थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं जिससे कि वीडियो छोटा बने। आप एक्सरसाइज सीख लीजिए, ये पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइजेज हैं जो हम पेशेंट को रिज्यूम घर के लिए देते हैं, जिससे कि इसको देख के करेक्ट तरीके से पेशेंट एक्सरसाइज कर सकता है। विदाउट फिजियोथेरेपिस्ट के रिकमेंडेशन के एक्सरसाइज ना करें। लूप की बाकी की एक्सरसाइजेज हैं वो करा रहे हैं। अभी घर पे आप थारा बैंड को भी लूप बना सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड अगर आपके पास है, अदरवाइज आपको लूप अवेलेबल है। एबडक्टर स्ट्रेंथनिंग करिए बेटा जी। 1 इसके बाद गेट ट्रेनिंग भी करेंगे इनके लिए। 2 सारी एक्सरसाइज इसके बाद धीरे धीरे स्लोली स्लोली। 3 थोड़ा ऊपर करिए स्ट्रैप को, वेरी गुड। 4 5 ओके, नेक्स्ट करिए बेटा। साइड लाइन में आ जाओ, बटरफ्लाई एक्सरसाइज दोनों साइड से करना है कि दोनों साइड में वीकनेस है, राइट से भी लेफ्ट से भी? ठीक है बेटा जी, हिप्स को सीधा रखिए स्ट्रेट, उसके बाद उठाइए। रिलैक्स, नेक्स्ट बता दीजिए। दोनों साइड से हो जाएगी, और कोई लूप की एक्सरसाइज रह गई है? स्टैंडिंग में बता दीजिए मैम, अगर लेट वाली सारी हो गई है तो हो गई है, लेटने वाली सारी तो स्टैंडिंग वाली बता दो। मार्चिंग स्टार्ट करनी है, दोनों हाथों को यहाँ रखना है, एल्बो लेवल पे, 1 आराम से, 2 3 4 5। नेक्स्ट बताइए। वेरी गुड बेटा, आप खुद को पीछे लेके जा रहे हैं, नीज को आगे नहीं, बहुत अच्छे। आप सपोर्ट कर दें बच्चे को, ज़्यादा बेटर रहता है। और जो आप हाथ पकड़े कराते हैं वो करा दीजिए फुल स्क्वाट। नेक्स्ट एक्सरसाइज बता दीजिए मैम, चौकी वाली।
करके दिखा दो बेटा आराम से, ध्यान से। नेक्स्ट बताइए। इसी तरीके से अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर चलो, सीधे हो जाओ, पैर सीधे रखना। 1 2 3 स्टेपिंग, स्टेप अप स्टेप डाउन, 5। नाउ सिंगल लेग स्टैंड हम करा सकते हैं, एंकल एक्सरसाइज रहेगा, बैलेंसिंग एक्सरसाइज, बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए करानी है। बैलेंस करो, शाबाश, आप देख सकते हैं शिवरिंग हो रहा है, धीरे धीरे शिवरिंग खत्म हो जाएगा बच्चे का। इसको 90 डिग्री पर फ्लेक्स करो, दोनों लेग्स को आपस में नहीं जोड़ना है। बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। बस इसमें आप बैलेंस कर सकते हैं 10, 20, 30, 40 सेकेंड जितना करना चाहें। नीचे कर लीजिए, वेरी नाइस। दूसरे पैर से करके दिखा दीजिए, वेरी गुड बेटा, हो गया ये। नेक्स्ट बता दीजिए, बैलेंसिंग हो गई, जीरो नीचे कर दो, नीचे कर दीजिए, जीरो बना के दिखाओ, जीरो बनाना है सर्कल बनाइए। 1 8 चलो 8 बना दो, बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं, जीरो भी बनाना है, 8 भी बनाना है, सब बनाना है, वेरी नाइस। दूसरे पैर से करना है, अगली एक्सरसाइज करके दिखा दीजिए मैम, वॉक करा दें, गेट ट्रेनिंग करा दें। लोअर लिम्स करा सकते हैं, साइड टू साइड वॉक करा सकते हैं, स्ट्रेट वॉक करा सकते हैं। पहले स्ट्रेट वॉक करेंगे, ठीक है? करो बेटा जी, पैर अंदर की तरफ रखना, सामने देखना, धीरे चलिए, स्टेप प्रॉपर रखिए। वापिस आ जाओ बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट बता दीजिए, साइड लाइन टैंडम वॉक कर सकते हैं, यहीं से करा दो, कोई दिक्कत नहीं। टो टच करते हुए एक के बाद एक सामने रखना, बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए दोनों हाथों को हम खोल सकते हैं। वापिस आ जाओ बेटा, यहीं से वेरी गुड बेटा, बैलेंस करो, एक जना थोड़ा सा पास में रहो, बैलेंस खराब ना हो। नेक्स्ट बता दीजिए, नाउ साइड टू साइड वॉक कर सकते हो, साइड वॉक, हो गया बेटा सारा। चलो, ये हमारे साथ डॉक्टर शिवानी जी जो बच्चों को एक्सरसाइज करा रहे थे। थैंक यू बेटा जी फॉर नाइट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बढ़िया की है। ओके जी, थैंक यू।